हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। इसका आपको डेट एंड टाइम किस प्रकार से सेट करते हैं बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास है सैमसंग का फ़ोन है। फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आता है। एंड ऊपर के साथ स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहाँ दिखता है जनरल मैनेजर, एंड इस पर क्लिक कर देंगे। डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे एंड ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम अगर ऑन है तो आपको ऑटोमेटिक सेट रहेगा। अगर आपको लगता है नहीं होता ऑटोमेटिक सेट तो आप इसे ऑफ करके रखें। बट अगर आपको 24 वाला हावर टाइम पसंद नहीं आ रहा इस तरीके से तो ऑफ कर देंगे, तो आपका वैसा सेट हो जाए जैसा आप सेट करना चाहेंगे, देख सकते हैं। एंड इसके बाद आप ऑटोमेटिक डेट टाइम इस प्रकार से ऑफ होता है, इस तरीके से ऑन होता है, तो ऑफ करते हैं। अगर आपको लगता है ऑटोमेटिक मतलब इसे ऑन करने के बावजूद आपको ऑटोमेटिक सेट नहीं होता है तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं यहाँ से। बाद आप उसके जब आपको सेट हो जाता है तब यहाँ से मतलब ऑफ करके इसके बाद सेट करके अपने हिसाब से रखेंगे। उसके बाद इसे ऑन नहीं करेंगे दोबारा, और इसके यहाँ से डेट टाइम सेट करेंगे। जैसे मंथ सेट करते हैं जैसे डेट, इस तरीके से टर्न पे क्लिक करते हैं आपका डेट सेट हो जाता है। इसी तरीके से टाइम सेट करेंगे आप। एंड टाइमिंग इस तरीके से एम और बीएम होता है, इधर मिनट होता है ये, एंड ये होता है हावर। तो डन पे क्लिक करते हैं टाइम भी सेट हो जाता है। अगर पर मैंने गलत सेट कर दी तो इसे ऑन कर दी तो आपको सही डेट एंड टाइम सेट हो जाता है, देख सकते हैं। एंड इसी तरीके से आप अपने फ़ोन डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। बट इसे ऑन करके रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप अपने फ़ोन में डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।